अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। वेलकम टू न्यू लेक्चर एंड हियर वी विल सी द कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज टू रेडियन एंड रेडियंस टू डिग्रीज। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें रेडियन से डिग्री या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हम इस वर्किंग को बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, एक हम क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। लेट सी, आपसे कहा जाए कि 30 डिग्रीज है। ठीक है, देखिए, डिग्रीज में है ना, हम इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियंस में। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए ना, सिंपल आपने दो फार्मूलाज को याद रखना है कि 1 डिग्री इक्वल है पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस के। ठीक है, तो अगर रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन इक्वल है पाई बाय, नो सॉरी, 180 बाय पाई। ठीक है, तो बेसिकली ये दो कन्वर्जन अगर आपको क्लियर है ना, तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले गिवन है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री है ना रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप पाई बाय 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ना, जरा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो पाई बाय 6 रेडियंस के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इट मींस अगर हमने 30 डिग्रीज को चेक करना है तो वो किसके इक्वलेंट है, पाई बाय 60 रेडियंस के इक्वल है। ठीक है, मूव करते हैं एक और क्वेश्चन पे। जैसे आपसे कहा जाए कि 180 डिग्रीज है, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करें, तो सिंपली 180 डिग्रीज को आप पाई बाय 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 180 180 कैंसिल आउट, पाई रेडियंस आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर पाई रेडियंस की इक्वल आंसर आ रहा है तो उसका मतलब है ये करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हम थर्ड पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 270 डिग्रीज। ठीक है, तो देखिए 270 डिग्रीज को भी हमने पाई की टर्म्स में डिफाइन करना है, तो इसको सिंपल पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या फायदा होगा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, कि यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन पॉसिबल है, तो कैंसिलेशन करें, 9 2s are 18 एंड 9 3s are 27। ठीक है, तो 3π/2 रेडियंस के इक्वल आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो यू कैन से दैट 180 डिग्रीज इक्वल्स पाई रेडियंस। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकती हैं, नेक्स्ट जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है उसमें 270 डिग्रीज की जो वैल्यू है वो 3π/2 रेडियंस क्या। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पे कंसीडर करनी है कि कैसे ये दोनों इंटर रिलेटेड टू ईच अदर है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि रेडियंस में कुछ वैल्यूज लेते हैं और उनको डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, सबसे पहले हमें ये कहा जाए कि 3π/4 है। ठीक है, और इस 3π/4 को हमने कन्वर्ट करना है। अब देखिए 3π/4 क्लियरली हमें यहाँ पे आइडिया है रेडियंस में वैल्यू गिवन है, अगर ये रेडियंस में है तो डिग्री में कन्वर्ट करके चेक करते हैं 3π/4, और अगर डिग्रीज में कन्वर्ट करना है ना तो 180π से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 4 को चेक करते हैं, यहाँ पे कैंसिलेशन होती है या नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 4s are 8 and 2 5s are 10। ठीक है, 135 डिग्रीज के इक्वल आ रहा है 3π/4 का जो आंसर है वो 135 डिग्रीज के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 270 डिग्रीज 3π/2 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं 3π/2 रेडियंस को कंसीडर करते हैं, इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। ठीक है, तो 3π/2 और इसको जरा पाई बाय 180 से
मल्टीप्लाई तब करते होते हैं जब रेडियंस में कन्वर्ट करना हो, फिर हर डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो 180 बाय पाई से सॉल्व करें, तो बाय पाई कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा 3 एज इट इज 3 बाय 2 इंटू 180 आ रहा है, ठीक है। 180 को सिंप्लीफाई करें 2 के साथ तो आंसर 90 आ रहा है, 3 को जरा 90 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 270 डिग्रीज के इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो पहले आपने कैलकुलेशन की थी उसमें 270 डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट किया था, तो 3 पाई बाय 2 रेट के इक्वल आ रहा था, ठीक है। अब 3 पाई बाय 2 रेडियंस को आपने कन्वर्ट करके चेक किया तो वो भी 270 डिग्रीज के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, बस ये है कि कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए, ठीक है। एंगल नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं एक एंगल 13 बाय 16 पाई कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये इन टर्म्स ऑफ रेडियन गिवन है, तो हमें क्या करना है, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई पाई तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 80 0, ठीक है। अब आप इसको 2 4 जा 8 2 45 जा 90, ठीक है। तो माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 45 आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 13 और 45 को पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उसको डिवाइड कर लें 4 से, ठीक है। तो मैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 13 और 45 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आंसर आ रहा है 585 के इक्वल, ठीक है। आप देखिए 585 जो है ना 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब आप इसको प्रॉपर लिखेंगे तो यही इसका आंसर आ रहा होगा, मींस डायरेक्ट आपने उसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया। अगर यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है तो कोशिश करें कि नेगेटिव साइन को भी आपने एज इट इज़ कंसीडर करना है, ठीक है। मतलब उस वैल्यू को आपने इग्नोर नहीं करना, डायरेक्ट जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको आपने यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो कंसीडर करना होगा। सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जो नेगेटिव साइन आ रहा है एट द एंड आपने इसी तरह इस नेगेटिव साइन को यहाँ कंसीडर कर लेना। तो ये देखें, थ्रू आउट हमने इस लेक्चर में देखा कि हाउ वी कैन कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्रीज, ठीक है। इजीली इन वैल्यूज को हमने ट्रेस आउट कर लिया है।